जो महिला है एक एक महिला चार चार शादियां कर रही है, तीन तीन शादियां कर रही है, ये कहाँ तक जाए? रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही गलत है जी। हमारे अंदर बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप देखने लगे आज अनिल रिपोर्ट और नरवाड़ा फिलहाल जो नरवाड़ा गांव का गांव है इसके पीछे पर एक बड़ी मापे जाएगी, बड़ा फैसला लिया जाएगा। लंबा इस बड़े वाले जो वे रहते हैं उनको लेकर और तमाम दो तीन मुद्दे को लेकर फिलहाल आप देख सकते हैं जो उत्तर भारत की जितनी खापे है जितनी पंचायतें है वो दुलौद्धा के चबूतरे में पहुंचे हैं और तमाम पर्सनैलिटी यहां पर है जो पहुंची हुई है। संविधान में राइट है लेकिन खापे है जो ये एजेंडा लेकर चली है कि ये चीजें गलत है, तो देखते कैसे गलत है कैसे नहीं गलत है। बात करते हैं डॉक्टर सिकंदर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सब राजी खुशी? बिल्कुल बढ़िया। कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? बस नू इकट्ठे हो रहे हैं या सरकार एक नया प्रोपगंडा रखे जावे है? ये सरकार के पीछे क्यों पड़े हो आप? सरकार गलत दिशा में ले जाने लग रही है समाज। कैसे? आप देखो लव मैरिज है, लव मैरिज में माँ बाप की सहमति होनी जरूरी है क्योंकि हम अपने अगर माँ बाप की सहमति हो तो लव मैरिज कैसे होगी? नहीं नहीं, अरेंज बहुत सी मैरिज है, कोशिश तो करो। और यदि लव मैरिज आप बच्चा कर ले है उसका भविष्य देखो आप कहाँ उठता है, उसके बाद उसका परिवार से कट हो जाता है या फिर वही बात है कि उनको मार दिया जाता है। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए इस लव मैरिज में माँ बाप की अनुमति जरूरी है। एक पंचायत ऐसी कभी रखोगे कि माँ बाप के लिए कि उनको भी समझाया जाए या से जो ऐलान किया जाए कि आपके बच्चे अगर लव मैरिज कर रहे हैं आप उनसे उनसे मिलिए, उनको समझिए, आप उनको ना मारे, एक पंचायत कभी होगी ऐसे? बहुत बार कोशिश की जा रही है और जो यहाँ लोग बैठे हैं मैंने जितनी पंचायतें देखी सिर्फ लव मैरिज लीव रिलेशनशिप इनके खिलाफ ही देखी, कभी ये नहीं हुआ हमारे उन माँ बाप के लिए भी हम मैसेज छोड़े। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जो आज की जनरेशन है हमें उन्हें समझने की जरूरत है। बड़ी लिखी जनरेशन है और 21वीं सदी में हम जाए हुए हैं तो सीधी सी बात है कि हमें अपने बच्चों को समझना पड़ेगा और जहाँ तक हमें लगता है कि हम मैनेज कर सकते हैं उस चीज को मैनेज करना चाहिए। जीने का अधिकार सबको है, मरना मारने से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी बात समलैंगिकता, अब लोग मानते हैं ठीक है भाई कानून बना दिया ये एक अलग बात है, वो उसका एक मतलब प्रकृति की वजह से उसके शरीर में कोई डिफेक्ट आता है उसको प्यार से समझाया जाए तो बेस्ट है, क्योंकि जिस तरफ हमारा देश चल रहा है प्राकृतिक संबंधों की तरफ हमें नहीं लगता है कि उसका कोई भविष्य, आप लोग भी देख रहे हो। एक पर्सनैलिटी है होमोसेक्सुअल है वो लेस्बियन है जो भी है एक्स वाई जेड उसकी इच्छा है, इसी इच्छा को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने के की फरमान सा नहीं होगा। नहीं नहीं, फरमान तो जारी कर ही नहीं रहे हैं ना, वही तो बात है कि माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में भी, ताकि जो बच्चों के अंदर है उनके अंदर एक विश्वास पैदा किया जाए, वो लोग ऐसे गलत कदम ना उठाए, ये कोई गलत कदम ना उठाए। ऐसे ही लव इन रिलेशनशिप आप देख रहे हो बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। चलो ठीक है भाई, एक महिला एक पुरुष अपनी जिंदगी जी लेते हैं, पर जो महिला है एक एक महिला चार चार शादियां कर रही है, तीन तीन शादियां कर रही है, ये कहाँ तक जायज है? यदि उसको लगता है कि वो उसका भविष्य सही नहीं है, जीवन साथी सही नहीं है, तो हम एक तक भी तो सीमित हो सकते हैं, क्या सारे ही गलत है? तो इसका मतलब तो ये है कि फिर देश के अंदर आप ये कह दोगे ना कोई कानून रहेगा, ना कोई समाज रहेगा, ना कोई मर्यादा रहेगा, उन बच्चों का कौन जिम्मेवार, उनका भविष्य कैसा होगा, वो मानसिक दबाव में रहेंगे और कहीं ना कहीं गलत दिशा में जाएंगे। तो हमने अपने देश की नस्ल और फसल को बचाने के लिए कुछ कानूनों का हिंदू बिल जो कोड है उसमें कुछ परिवर्तन के लिए ये पंचायत है। तो ऐसी कितनी काउंसलिंग आपने की है कि ऐसा मैसेज दिया जाए, ऐसी काउंसलिंग कितनी की आपने? बहुत से लोगों के साथ अंदर खाते जिनसे मेरी बात हुई है मैंने उस चीज को सिरे चढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि हम खिलाफ नहीं है पर दिशा बदलने की जरूरत है। नमस्कार जी, नाम आपका? पूनम बटनपुर जी। आपका क्या ओपिनियन है इस पंचायत को लेकर, इस लव मैरिज एक्ट को लेकर, लिविंग रिलेशनशिप आप क्या सोचते हैं? देखो जी, जो लिविंग रिलेशनशिप है ना ये बहुत ही गलत है जी, हमारे अंदर बहुत सारे परिवार बर्बाद हो गए इसमें। और जो लव मैरिज है ये कहते हैं इसमें पेरेंट्स की सहमति होनी बहुत जरूरी है जी, जो बच्चे को पेरेंट्स पाल पड़ोस के इतना बड़ा करता है क्या उसकी लास्ट जिम्मेवारी ये भी नहीं है कि बच्चों का भविष्य सुन सके वो? तो भाई बीच में थोड़ा रोक रहे हैं कि बाद में जाना है तो बाद में करेंगे, फिलहाल कंटिन्यू करेंगे।